दोस्तों, आपको ये गुल्ली डंडा याद है? हम लोग बचपन में खूब खेलते थे इससे। इसमें ऐसे ही पहले गुल्ली को मार कर दूर करके भेज देते थे दोस्तों, फिर वहां से यहाँ तक की दूरी के लिए डंडे की माप मांगते थे दोस्तों। खेला है दोस्तों आपने? दोस्तों, ये विक्स पहले अति बड़ी विक्स वेपर की डिब्बी आई करती थी दोस्तों, और पहले खूब असर भी करता था दोस्तों ये विक्स। दोस्तों, ये प्रेस पहले ऐसे ही लैट वाला प्रेस आया करता था दोस्तों। इन प्रेसों का इस्तेमाल ज़्यादातर धोबी करते थे दोस्तों, और लाइट न रहने पर दोस्तों ये वाला प्रेस का इस्तेमाल करते थे दोस्तों। इसे हाथे से खोलकर इसके अंदर कोयला डाल के गर्म करके प्रेस किया करते थे दोस्तों कपड़ों को। दोस्तों, एवरेडी का बैटरी हम लोग समय में बहुत फेमस हुआ करता था दोस्तों बैटरी, क्योंकि उस समय की जितनी भी चीज़ें आती थी जैसे ये टॉर्च में भी वही से लगता था दोस्तों। दोस्तों, ये घंटी आपको याद है दोस्तों? पहले हम लोग समय में साइकिलों पर ऐसे ही घंटी लगाया करते थे दोस्तों, और खूब बजाते थे हम लोग। खूब मज़ा आता था दोस्तों इसे बजाने में। अब तो 7 घंटियाँ हट गई हैं साइकिलों से, नहीं तो पहले तो ऐसे ही रिंग आया करते थे दोस्तों बजाने के लिए, लोगों को सैड करने के लिए। चुटकी, ये चुटकी आपने जरूर खाया होगा दोस्तों, और घर जाने के बाद पिटाई भी हुई होगी दोस्तों, क्योंकि हम लोग इसे मीठा समझ खूब खाते थे, लेकिन घर जाने के बाद घर वाले बोलते थे ये गंदी चीज़ है, इसे मत खाया करो दोस्तों। ये निरमा पाउडर, पहले निरमा पाउडर कितना बड़ा आया करता था दोस्तों 10 रुपए में ही, और उससे बहुत फेमस भी था दोस्तों निरमा पाउडर, आपने देखा था ना दोस्तों? दोस्तों, ये कोलगेट टूथ पाउडर, ये आपने जरूर किया होगा दोस्तों। हम लोग समय में तो टूथ पाउडर ही आया करता था दोस्तों ज़्यादातर, और थोड़ा सस्ता भी हुआ करता था दोस्तों। टूथपेस्ट पर महंगा आया करता था दोस्तों, तो हम लोग घर में ज़्यादातर टूथ पाउडर ही आता था दोस्तों, तो हम लोग इसे खाते भी थोड़ा, इसे अपने जेब से चाट भी लेते थे दोस्तों। इसे खूब मीठा लगता था दोस्तों खाने में ये। दोस्तों, ये बोर्ड पहले हम लोग के यहाँ ऐसे ही बोर्ड हुआ करते थे दोस्तों, अब तो सब नए नए बोर्ड आने लगे हैं दोस्तों। दोस्तों, ये रील वाला कैसेट, ये आपने देखा है दोस्तों? पहले तो हम लोग इसी कैसेट का इस्तेमाल होता था दोस्तों, और कभी कभी रेडियो बजाने पर इसके फंस जाने से इसका रील टूट भी जाता था दोस्तों, फिर हम लोग ऐसे ही इसे भरते थे दोस्तों और फिर बजाना शुरू कर देते थे दोस्तों रेडियो में। खूब मज़ा आता था दोस्तों उस समय बजाने में। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों।